अस्सलाम वालेकुम। चिपकाने का तरीका दिखाया था आपको, स्टेप कैसे कोट का स्टेप कैसे होते हैं वो आपको भी दिखाया था। अब इसको स्टिचिंग करके दिखाते हैं, यानी कोट को बना के दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रंट पल्ला हमने सबसे पहले एक क्रॉस में हम पाइपिंग के लिए कपड़ा को कट कर लेंगे। पहले हम इसको ये जो स्टिच है इसको कट कर लेंगे। आधा दाब का मार्जिन लेंगे, आधा दाब के हिसाब से, आधा दाब से भी थोड़ा कम लेंगे। इसको पाइपिंग जितना रहता है उतना ही हम कपड़े को कट करेंगे। इसमें मार्जिन इतना ही देंगे, ज़्यादा नहीं देना है। ऊपर से 6 इंच पे यहाँ मार्क लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये पट्टी को क्या करेंगे, ये पहले ये जो चिपकाए थे हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे। एक पॉइंट को 1 इंच में एक पॉइंट कम, अब ऐसे सीधा मार्क लगा लेंगे।
नीचे सेम कपड़ा ज्वाइन मारेंगे। पल्ला मैं साइड का पहले से कटिंग कर रखा हूँ, लेकिन एक ही साइड का कटिंग किया था इसलिए कम पड़ गया। तो कम पड़ने की वजह से मैं ये सामने का अस्तर ये मारूंगा। हर जगह सेम रहेगी, सामने में सिर्फ अस्तर इसको डालेंगे, ये अंदर चली जाएगी। तो हम इसको यहाँ से सीधा सिलाई मार लेंगे। ये दोनों कपड़ा को एक जैसा बैठा लेंगे, इसको इस तरह करके बैठा लेंगे। ये देखिए, पलटी करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इस तरह पलटी होके आ जाएगी। अब इसको पहले क्या करेंगे, पहले इस्त्री मार के इसको सीधा कर लेंगे, बाद में ये जो साइड का जो कपड़ा है कटिंग करके हटा लेंगे। क्या करेंगे, एक बकरम को है ना, इस चेस्ट पे चेस्ट के पास लगाएंगे। ये बकरम चेस्ट के पास रहेगी। यहाँ पे थोड़ा एक टुकड़ा लगाएंगे स्टेप का। बकरे में इतना पे चिपकाएंगे, डबल टेप ले लेंगे हम, इसको इतना तोड़ लेंगे। कोट में क्या है, मशीन का काम कम रहता है, प्रेस का काम ज़्यादा रहता है।
ये डबल टेप से दोनों तरफ चिपका के जाती है कपड़ा, ये देखिए दोनों चिपक गई है। इसको उठा लेंगे, ये डबल टेप यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो दोनों तरफ से चिपक जाएगी तो कपड़ा ये फूगेगी नहीं। साइड से कपड़ा जितना भी भर रहा है उसको एक एक बराबर कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा देंगे यानी बिल्कुल बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी बजाएं, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो।